मध्य प्रदेश के उज्जैन में जूता चप्पल व्यापारी के घर से लाखों रुपए की चोरी के चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस वारदात को व्यापारी की बहू ने अंजाम दिया था। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ फरार होना चाहती थी, मगर उससे पहले ही वह पकड़ी गई और बहू की सच्चाई सबके सामने आ गई। पुलिस के अनुसार प्रेमी युवक के कहने पर बहू ने चोरी की घटना को जिस प्रकार से अंजाम दिया, उससे पुलिस वाले भी हैरान रह गए। 12 लाख की चोरी की घटना होने के बाद जब पुलिस को बहू के प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो पुलिस ने बहू से पूछताछ की। शुरुआत में तो वह गुमराह करती रही, मगर फिर शक्ति बरतने पर सच उगल दिया। मामले में उज्जैन पुलिस ने प्रेमी युवक को घर से 12 लाख रुपए सहित जब्त किया है। मामले के अनुसार मिर्ची नाला निवासी जूता चप्पल व्यापारी पुरुषोत्तम लाहौरी के घर से 19 दिन पहले 12.5 लाख रुपए के आसपास की चोरी हुई। घटना के दौरान पुरुषोत्तम इंदौर स्थित दुकान पर थे, जबकि घर पर उनकी पत्नी और बहू नेहा थी। रुपए अलमारी में चोरी हुए थे और घटना को अलमारी का ताला खोलकर अंजाम दिया गया था, जिससे पुलिस को चोरी में किसी घरवाले या परिचित के होने का शंका थी। इसी बीच खारकुआ पुलिस को बहू नेहा के सामने रहने वाले इम्तियाज से प्रेम संबंध की जानकारी मिली। पुलिस ने नेहा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने चोरी की वारदात कबूल ली। नेहा ने पुलिस को बताया कि प्रेमी इम्तियाज ने टेलर से उसके पेटीकोट में 9 जेब बनवा दी थी। 8 और 9 अप्रैल को जब उसकी सांस बाथरूम में नहाने के लिए गई थी, इस दौरान इसने चुपके से अलमारी की चाबी निकालकर लॉकर में रखे रुपए निकाल लिए थे। चोरी किए गए रुपए उसने इम्तियाज के पास रख दिए थे। क्राइम पेट्रोल देखकर उसे इम्तियाज ने चोरी का तरीका बताया था।